अकाउंट्स का एक चैप्टर करते हैं रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर, बहुत ही इजी चैप्टर है। हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली ये समझना है कि एक कंपनी अगर अपना प्रेफरेंस शेयर वापस ले रही है पब्लिक से तो कैसे एंट्रीज करती है, पैसे का अरेंजमेंट कैसे करती है और क्या मेथड्स फॉलो करती है। तीन चीजों के ऊपर फोकस हो रहा है, पैसे का अरेंजमेंट, रिडम्पशन का प्रोसेस और रिडम्पशन की एंट्रीज, यानी स्टेप्स या मेथड्स, एंट्रीज और पैसे का अरेंजमेंट, इन तीन चीजों के ऊपर सोचना है। सोचिए कंपनी अपना शेयर वापस ले रही है पब्लिक से, प्रेफरेंस शेयर, तो तीन मेथड उसके पास अवेलेबल है। पहला मेथड है आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, मतलब दूसरा इक्विटी शेयर या डिबेंचर इश्यू करे और उस पैसे की मदद से अपने प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाए और अपने प्रेफरेंस शेयर वापस ले। दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब अपना जनरल रिजर्व पीएल जो फंड जमा है उस फंड को यूटिलाइज करके रिडेम्पशन का काम कर रहे हैं। और आखिरी मेथड आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो कि सिंपल है। तो पहले बात करते हैं फ्रेश इश्यू से। कंपनी अपना इक्विटी शेयर्स या अदर कोई सिक्योरिटीज इशू करके मनी अरेंज कर रही है और उससे रिडेम्पशन का प्रोसेस पूरा कर रही है। अदर्स क्या हो गए, तो एंट्रीज क्या होगी, यानी पहला मेथड है कंपनी इक्विटी या डिबेंचर या कोई अदर सिक्योरिटी इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर डीम करने के प्रेफरेंस शेयर नहीं बेच सकते आप दूसरा, फिर रिडेम्पशन का मतलब ही क्या होगा। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाना है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर वापस लेने, उसके लिए इक्विटी शेयर्स या अदर कोई सिक्योरिटी जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब इशू करके पैसा उठा लिए। तो जनरल एंट्री का स्टेपिंग जॉब है, ज्यादा बड़ा सम नहीं आएगा एग्जाम में, 5 से 8 नंबर का सम्स होगा, 4 से 5 जनरल एंट्री होगी। सबसे पहले देखिए नया शेयर इशू किया कंपनी ने, प्रेफरेंस शेयर इशू किया या डिबेंचर, इक्विटी शेयर इशू किया या डिबेंचर इशू किया, या इक्विटी शेयर या डिबेंचर इशू किया, तो पहली एंट्री शेयर इशू की होगी। फिर प्रेफरेंस शेयर को वापस लेना है तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन यानी कैंसिलेशन का एंट्री, फिर उनका पैसा लौटाने का एंट्री और एक चीज को पीएल में ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले एंट्री में न्यू इक्विटी शेयर इशू करने की या नया डिबेंचर इशू करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर अगर डिबेंचर इशू करें तो डिबेंचर, आपके चैप्टर में बेसिकली इक्विटी शेयर ही आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या 2% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर इशू करते वक्त कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो रिडेम्पशन का एंट्री होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अगर रिडीम कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देके कर रही है तो ये प्रीमियम उसके लिए खर्चा है या नुकसान है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रही है तो, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल हुआ, प्रीमियम देने इसलिए प्रीमियम एक्सपेंडिचर के रूप में बुक हुआ, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये पैसा देना है। अब पेमेंट की एंट्री करो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दिए। ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है इसको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम रिडेम्पशन यहां डेबिट हुआ था उसको पीएल में भेज दिए, मेरे बुक से उसकी अकाउंटिंग क्लोज। तो ये चार एंट्री हम करते हैं अगर हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, यानी आउट ऑफ इक्विटी शेयर या आउट ऑफ डिबेंचर्स, जनरली इक्विटी शेयर समझिए। तो एंट्री क्या हुई, पहले शेयर इशू करने की, मतलब बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, फिर प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, और जो ये रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो पीएल में ट्रांसफर करके क्लोज करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब आते हैं आउट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी मेरे पास जनरल रिजर्व पीएल पहले से पड़ा है, मेरे उसमें बहुत जनरल रिजर्व पीएल है, हम उसी को यूटिलाइज कर लेना चाहते हैं, हमको इक्विटी शेयर इशू करने का मन नहीं, हम दूसरा कोई सिक्योरिटी या शेयर इशू करके पैसा उठा के नहीं करना चाहते, मेरे पास अपना जनरल रिजर्व और पीएल बहुत पड़ा है, मतलब हम अपने रिजर्व पीएल को कैपिटलाइज करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। तो पहली एंट्री तो वही प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करने की एंट्री, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब पेमेंट कर दो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी यहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, और ट्रांसफर करना है पीएल में वो तो करेंगे इस प्रीमियम को, तो प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू पीएल। एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सर, वहां आपने एक काम एक्स्ट्रा किया था इक्विटी शेयर इशू करने का, यहां पर आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, जितना अमाउंट हम आउट ऑफ कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं उतना का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा।
आउट ऑफ फ्रेश इश्यू में कोई सीआरआर नहीं था। जब हम पीएलआई रिजर्व से रिडम्पशन करते हैं हमको एक सीआरआर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, तो एंट्री हो जाएगा। हम क्या यूज करें अपना जनरल रिजर्व पीएल, कोई और फ्री रिजर्व वगैरह मेरे बुक्स में तो उसको, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हम अपने कैपिटल को रिडीम कर रहे हैं तो उसके लिए रिजर्व क्रिएट हो रहा है, तो जीआर अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो वहां थी इक्विटी शेयर इश्यू करने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करने की एंट्री, पेमेंट करने की एंट्री और पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को। यहां पर भी प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करने की एंट्री सेम, पेमेंट करने की एंट्री सेम, पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री सेम, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एंट्री आ गई सीआरआर। जितना पैसा हम आउट ऑफ जीआरआर जनरल रिजर्व या अपना पीएल या कोई और फ्री रिजर्व को यूज करके कर रहे हैं उतना ही अमाउंट का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कॉम्बिनेशन पे, सेम कहानी दोनों को मिक्स कर रहे हैं। पहला वही इशू ऑफ इक्विटी शेयर या डिवेंचर करने की एंट्री होगी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो। रिडम्पशन एंट्री वही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर पेमेंट की एंट्री वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर पीएल में ट्रांसफर वही जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दे रहे हैं हम उसको पीएल में भेजेंगे तो पीएल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सीआरआर भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों है। अब यहाँ मजेदार खेल क्या है, मैं मान लो 2,00,000 रुपए रिडीम कर रहा हूँ, 80,000 मैंने आउट ऑफ फ्रेश इशू किया है और 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटलाइजेशन किया है, 1,20,000 का सीआरआर क्रिएट हुआ, तो वही जीआर अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट आउट ऑफ फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर सिर्फ और सिर्फ उतने ही अमाउंट का होगा जितना मैं आउट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड कर रहा हूँ, आउट ऑफ फ्रेश इशू के अमाउंट का सीआरआर नहीं होगा। हाँ एक एंट्री और, इतनी एंट्री है बस, तो यहाँ पे चार एंट्री, यहाँ पे चार एंट्री, यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बो करके टोटल 5 एंट्री आ गई। एक एंट्री और आपके सामने आ सकती है, मान लीजिए आपके पास फंड शॉर्टेज हो रहा था और आपके सामने बोल रहा है आपको कि आपके मम्मी ने इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा उठाया, कोई एक इन्वेस्टमेंट पड़ा था उसको बेच के वहां से पैसा उठा लिया यूटिलाइजेशन के लिए, सिंपल है बॉस, आपको बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक की इन्वेस्टमेंट एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट के बेचने की, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को बेचने में या प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर लॉस होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। ये इन्वेस्टमेंट बेचने की भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी, सब अगर बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बेच के आपको पैसा अरेंज कर रहे, ये थी पूरी कहानी प्रेफरेंशियल रिडम्पशन की। आखिरी एक बात बोल रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन आपको बता देगा कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप इशू करें तो आपका काम बहुत आसान हो जाए, कई बार आपको सब बताता नहीं कि आप कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करें, कैसे निकालेंगे, मेरे को टोटल कितना वैल्यू रिडम्पशन के लिए चाहिए, मान लो मेरे 4,00,000 के इक्विटी 4,00,000 के प्रेफरेंस शेयर जो मैं रिडीम करना चाहता हूँ तो वैल्यू ऑफ रिडम्पशन 4,00,000। आउट ऑफ जनरल रिजर्व पीएल, आप अपना जनरल रिजर्व पीएल चेक कर लो, कई बार आपको सम बोल देता है कि थोड़ा रिजर्व रखना चाहते हैं, मान लो आपके बुक्स में 1,50,000 का रिजर्व है और कंपनी बोल रहा है कि 50,000 का रिजर्व रखना है, यानी आप 1,00,000 जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो, 4,00,000 लौटानी है, 1,00,000 में आउट ऑफ जनरल रिजर्व यूज कर लिया, बाकी बचा 3,00,000 उसका इक्विटी शेयर इशू करूंगा, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे पता चलेगा सर, सिंपल, यानी 3,00,000 रुपए में आउट ऑफ फ्रेश इशू जा रहा हूँ, टोटल 4,00,000 लौटाने के, 1,50,000 का मेरे पास रिजर्व है, सम्स कह रहा है 50,000 का रिजर्व रखना है, यानी 1,00,000 का रिजर्व यूज कर सकता हूँ, तो 4,00,000 माइनस 1,00,000 मतलब 3,00,000 में आउट ऑफ फ्रेश इशू जा सकता हूँ, डिवाइड करूंगा मैं 3,00,000 को जो मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ उसका पर शेयर वैल्यू कितना है, इशू प्राइस कितना है, 12 में इशू कर रहा हूँ, 15 में इशू कर रहा हूँ, 25 में इशू कर रहा हूँ, तो जितना रुपया डिवाइडेड बाई प्रीमियम अमाउंट मिला के बोल रहा हूँ, 10 रुपया फेस वैल्यू में इक्विटी शेयर का, 2 रुपया अगर मैं प्रीमियम भी इशू कर रहा हूँ तो डिवाइडेड बाई 12, 3,00,000 डिवाइडेड बाई 12 करो जो आएगा वो आएगा आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आप इशू करने वाले, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा काम में ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू कर रहा है वो निकालना पड़ेगा, कितना रुपया रिडीम कर रहा हूँ माइनस कितने रिजर्व या पीएल को प्लस कर रहा हूँ जो बचा डिवाइडेड बाई पर इक्विटी शेयर वैल्यू जो मैं इशू कर रहा हूँ, इशू प्राइस नॉट फेस वैल्यू, इशू प्राइस, डिस्काउंट पे इशू करो, प्रीमियम पे इशू करो, जो भी वैल्यू पे मैं इशू कर रहा हूँ डिवाइड करूंगा मेरा नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। अब बस एंट्री तो सिंपल होगी उसके, बैंक अकाउंट डेबिट जितना नंबर ऑफ शेयर इंटू मान लीजिए प्रीमियम पे इशू करें तो 12 रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना शेयर इशू करें इंटू 10 रुपया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम जितना शेयर इशू करें इंटू प्रीमियम वैल्यू यानी 2 रुपया, इस सम के हिसाब से। तो ये हुआ आपका पूरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आउट ऑफ फ्रेश इशू करें तो 4 एंट्री, आउट ऑफ कैपिटलाइज मेथड करें तो 4 एंट्री, आउट ऑफ बोथ कॉम्बिनेशन करें, कभी थोड़ा फ्रेश इशू और थोड़ा मिला के करना चाहती है तो ये दोनों की कॉम्बो मतलब 4+1 5 एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी, और अगर कंपनी कैश शॉर्टफॉल हो जाए तो एक सेल की भी एंट्री होगी,
और ये मेथड आपने सीखा था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना कि कितना कंपनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बेच रही है। तो ये कुछ चीजें थी चैप्टर में काम की। दो बातें और आपको मैं समरी और नटशेल में बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको ये दोनों बातें। अगर कंपनी के पास जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है वो प्रेफरेंस शेयर अगर पार्टली पेड है तो आपको उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? आपको दो एंट्री पास करनी पड़ेगी, सब क्वेश्चन चुप रहेगा, आपको करना होगा। अगर प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड है तो आप रिडेम्पशन नहीं कर सकते, पार्टली पेड है प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता, ये मेरे नोट्स में साफ साफ दिखता है। क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, कॉल एंट्री पास कर लीजिए, पहले इक्विटी शेयर कॉल प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसके बाद बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कॉल, कॉल मनी मंगवा लिया आपने, अब आप रिडेम्पशन का पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई कॉल मनी आपने मंगवाया और वो आ नहीं रहा, मतलब कॉल इन एरियर है, तो एक एंट्री पास कर लीजिए बैंक टू कॉल इन एरियर, मतलब कॉल इन एरियर हो या कॉल मनी नहीं मंगवाया हो तो मंगवाओ, एंट्री कर लो कॉल की, उसके बाद अगर कॉल मनी नहीं मंगवाया तो मंगवाओ, मतलब दो एंट्री होगी, प्रेफरेंशियल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल कैपिटल और फिर बैंक टू प्रेफरेंशियल कॉल। और अगर कॉल मनी मंगवाई थी जब तक किसी ने दिया नहीं, मतलब कॉल इन एरियर में खड़ा है, तो बैंक टू कॉल इन एरियर पास करो और आप उसको फिर आगे बढ़ाओ। आखिरी बात, अगर कोई फॉरफीचर है तो फॉरफिटेड शेयर को रिडेम्पशन नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना, आपके सम्स में नहीं आएगा, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट को काम की बात है, फॉरफिटेड शेयर रिडेम्पशन नहीं होता।